पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पक्ष में आज हिंदू संगठनों ने इकट्ठा होकर मुरादाबाद में प्रदर्शन किया और विरोध प्रदर्शन कर रहे मुस्लिम समुदाय के लोगों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की। प्रदर्शन करते हुए हिंदू संगठनों ने कहा कि जुमे की नमाज के बाद प्रदेश में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और माहौल को बिगाड़ने का काम किया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ऐसे लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। सभी प्रदर्शनकारियों ने नुपुर शर्मा के पक्ष में अपनी बात रखते हुए राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा है। इन लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। जो लोग इनको फंडिंग कर रहे हैं, जिनके पैसे से ये संगठन चल रहे हैं, जितने भी ये संगठन हैं जो हिंदू विरोधी हैं, एक तरीके से राष्ट्र विरोधी भी वही संगठन हैं, कि इस राष्ट्र में जो राष्ट्र का विरोध करेगा उसको प्रारंभ करना होगा हिंदू विरोध से। तो जो लोग हिंदू विरोध से प्रारंभ करके राष्ट्र विरोध तक जा रहे हैं, उन पर पाबंदियाँ लगवाने के लिए ये हमने ज्ञापन गवर्नर महोदय को भेजा है कि इनके समस्त खाते सीज करे जाएँ, इनके कार्यालय बंद करे जाएँ, PFI जैसी संस्थाओं के पदाधिकारियों को शहर बदर करा जाए ताकि शहर में शांति हो सके। अभी तक हमने देखा कि एक छोटी सी बात पर कि अगर किसी महिला विशेष ने धर्म विशेष के किसी गुरु के विषय में कुछ कहा जो अब शब्दों को बुरा लगा, उनको ये भी सोचना चाहिए कि हिंदू धर्म के विरोध में आमिर खान जैसे लोग कैसी कैसी पिक्चर बना रहे हैं। हनुमान जी को, शंकर जी को बाथरूम में दिखा रहे हैं। हमारे किसी कार्यकर्ता ने किसी को मारने की बात की क्या? हमारे किसी हिंदू कार्यकर्ता ने, किसी हिंदू नेता ने ये नहीं कहा कि आमिर खान की गर्दन काट दो। ना ही हम इस तरह की गतिविधियों को प्रेशर देना चाहते हैं, ना ही इस तरह की गतिविधियां देश में चाहते हैं। हम चाहते हैं सभी धर्म अपना काम करें, सभी लोग अपने धर्म पर चलें, हमारे हिंदू देवी देवताओं का सम्मान रहे, राष्ट्र का सम्मान रहे। लिया गया विश्व हिंदू परिषद के लोग तो नहीं थे, लेकिन भजन दल के लोग थे, इन्होंने ज्ञापन दिया है। और जैसा कि शहर में और देश में, प्रदेश में घटनाएं चल रही हैं, उसे क्या कहें, से ज्ञापन दिया गया। 144 लागू है, इसीलिए हम लोगों ने कुछ रूल्स नहीं निकाले, मेमोरेंडम के माध्यम क्या अपील की इनके द्वारा था? इनकी कुछ मुश्किलें थी जिससे इनको, इन्होंने भी अपना एक रोष व्यक्त किया है, कुछ स्टेटमेंट्स थे उसके लिए उन्होंने अपना ज्ञापन दिया है। अब जैसे उन्होंने ज्ञापन दिया है उससे मैं अवगत कराकर महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।